मानवाधिकार सुरक्षा संगठन। एक बार फिर से बताएं आप। ऑफ पेपर में, ऑफ पेपर मतलब मैंने मतलब कोई उनपे मैंने कोई मतलब सदस्यता नहीं ली थी, मेंबरशिप नहीं लिया था, बट मानवाधिकार के उससे मैं संगठन के उससे मैं काफी सोशल वर्क किया, जैसे पशु को लेके, गायों को लेके, या कहीं लॉकडाउन में जो भी खाना वितरण, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन अवेलेबल कराना, ये सारी चीजें बहुत हमने हम लोग ने बहुत किया साथ में। अभी रिसेंटली सर मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया जिसका नाम है नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो सर अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, 2 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था, 2nd of September। बट सर आफ्टर ज्वाइनिंग आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, बिकॉज कि सर दे डोंट हैव द प्रोफेशनल एंड क्वालिफाइड मेंबर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई वे ऑफ टॉकिंग सही नहीं है, कोई प्रोफेशनल टॉकिंग नहीं है, कहीं से मतलब लगता नहीं है कि एक पढ़े लिखे समाज से हम बात कर रहे हैं सब। मतलब एक ऐसे गाँव देहाती लोग हैं, बड़े बड़े मतलब अनएजुकेटेड टाइप के हैं और मतलब अनप्रोफेशनल वे पे वो बात करते हैं। तो मैं बड़ा ये मुझे बहुत दुख हुआ कि यार मैं गलत जगह मैंने ज्वाइन कर लिया। और फिर अचानक मेरे सर से जब बात हुई तो सर ने सर आपका रेफरेंस दिया एंड मैंने बोला सर इट विल बी रियली ए ग्रेट प्लेजर फॉर मी इफ आई विल ज्वाइन टू मिशन क्राइम फ्री भारत। तो बोले मैं रिकमेंड कर दूंगा आपको सर के सर से। मैंने कहा सर प्लीज अगर आप रिकमेंड कर दीजिए मैं ज्वाइन कर लूंगा सर, और मेरा बैकग्राउंड ठीक है, अच्छा है, कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का हमारे गतिविधि गलत नहीं है, समाज सेवक हैं और फ्रीलांसिंग में एक्मे इज वन ऑफ द रेपटेड ब्रांड ऑफ सेफ्टी शूज इन ग्वालियर। वहां पे सर हम एज ए फ्रीलांस बिजनेस एसोसिएट उनको वहां पे जॉब क्या वो पार्ट टाइम जॉब उनकी करते हैं और बाकी अपना सोशल वर्क करते रहते हैं। तो अभी आप कहाँ, ग्वालियर में हैं? सर कानपुर में। सर कानपुर में है, ओके जी, ओके जी, ओके। आपने क्राइम फ्री भारत को सुना है? हाँ सर, मैंने एक आपका जो ब्लॉग है उसमें यूट्यूब वगैरह देखा है आपका। आपने उसको सब्सक्राइब किया है? जी सर। हाँ या नहीं? नहीं नहीं अभी नहीं सर, मैंने देखा है केवल, मैंने सब्सक्राइब नहीं किया सर। तो आप उसको सब्सक्राइब करिए। और कल हमने एक योजना की घोषणा की है जिसमें धन की वर्षा की बात कही है, उसमें उसको सुन के या उसके 2-4 और वीडियो भी देखिए जिसमें कि इसमें तो केवल उस चीज को कहा गया है कि हाउ वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग इट, राइट। उसके एक दो और वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट। तो वी आर सेइंग कि भारत का तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। भारत में जो कि यदि हमने मिड कोर्स करेक्शन नहीं किया तो भारत की पूरी आबादी जो है या तो खुद कैंसर ग्रसित होगी या कैंसर ग्रसित व्यक्ति को जो है ना अटेंड कर रही होगी। तो 66% लोग कैंसर से ग्रसित होंगे और 33% जो है ना उनकी हाजिरी में खड़े होंगे। क्या मेंटल एगोनी होगी, क्या होगा, क्या जो है ये मिड कोर्स करेक्शन की जरूरत नहीं है क्या, हु विल डू दिस। So we are saying crime free Bharat, through the joint venture concept we will be doing it. और जो भी इसमें जुड़ेगा और जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा उसके ऊपर भी धन की वर्षा होगी। तो वो जो भी काम कर रहा है आगे चल के उसको भी छोड़ने की बात सोच सकता है, वो अपनी 100% एनर्जी इस तरफ लगाने की बात कर सकता है। सर मैं उसको छोड़ी, मैं जो काम कर रहा हूँ अभी उसको मतलब जो मैं NCIP से जुड़ा हुआ हूँ उसको तो मेरे को छोड़ने का पूरा वो है, क्योंकि सर वहाँ से कोई ना तो कोई सपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात सर जब अनप्रोफेशनल और अनक्वालिफाइड लोगों से बात करने का थोड़ा लगता है कि सर थोड़ा ठीक नहीं लगता है बात करने का, फिर हमारे अंदर सर आर्गुमेंट करने का ज्यादा वो नहीं है कि बहस करें किसी से और ये सब, मतलब एक पोलाइटली काम हो और काम करिए। एक तो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। अपने सर्कल में जितने लोगों से आप कह सकते हैं उनको भी जोड़िए, क्योंकि किसी भी देश की तकदीर और तकदीर 4 लोग नहीं जोड़ सकते हम बदल सकते हैं, राइट। 4 लोग भाषण दे सकते हैं लेकिन तकदीर और तस्दीर नहीं बदल सकते हैं। वो नेचर को दोबारा एनरिच नहीं कर सकते हैं। वो जो है ना अंडरग्राउंड वाटर आपको 400,000 फीट नीचे पहुंच गया उसको वापस नहीं ला सकते हैं। क्राइम फ्री भारत का जो एग्रो इनिशिएटिव है दैट इज क्लेमिंग दैट इट इज गोइंग टू हैपन। तो इसका फिर एक आयुष इनिशिएटिव भी है। तो क्राइम फ्री भारत इज इनिशिएटिव फॉर मेकिंग दिस कंट्री क्राइम फ्री, इट इज हैविंग एग्रो इनिशिएटिव फॉर मेकिंग दिस कंट्री
रिच इन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस राइट फ्रॉम फ्रूट्स मेडिसिनल प्लांट फॉडर प्लांट्स सब्जियां और सीरियल्स शहद गाय का जो ना दूध देसी गाय का दूध और पानी एक्वा कल्चर इन डायमेंशंस पे काम करेंगे. किसान को जो है मिनिमम देयर विल बी लीगल ज्वाइंट वेंचर जो कि प्रॉपरली साइन रहेगा और कोर्ट ऑफ लॉ में इनफोर्सिएबल रहेगा. राइट ओके सर. ये बताया जा रहा है इसमें कि आप जो है जो किसान है उसे जो है उसका जो प्रोड्यूस है वो चूंकि वो अमृत तुल्य होगा तो वो 2 MSP से नीचे नहीं बेचा जाएगा. ग्रेट राइट और 2 से 3 MSP पे बेचा जाएगा और उसको बेचने की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी. किसान को अपने खेत पे काम भी नहीं करना होगा. वो अपने वो मैनेजर होगा CFB की तरह से अपने खेत में और उसको अपने ही खेत में मैनेजर बनने के लिए पर मंथ भी अमाउंट भी मिलेगा. तो हाँ हाँ ये तो इसको कल हमने इसकी उद्घोषणा की है राष्ट्रीय अध्यक्ष के बतौर. तो उसको आप उसको सुनिए दो चार चीजों को और सुनिए और फिर मुझसे बात करिए क्योंकि जब तक आप जो है बेसिकली हर चीज यदि मैं समझाऊंगा तो बहुत सारा रिपीटेशन हो जाएगा. राइट मैं वीडियो देखूंगा तो मैं बहुत चीजें मैं समझ जाऊंगा ऑलरेडी. तो बेसिकली जो है आप उसको वीडियो को देखिए और अपनी भूमिका देखिए आप क्या करोगे. एक्चुअली में हमारी समस्या ये है कि हम सरदार भगत सिंह को बहुत पसंद करते हैं जब तक वो पड़ोसी के घर में पैदा हो ना. तो हम स्वयं सरदार भगत सिंह बनना चाहते हैं ना ही अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं. तो ऐसा यदि आप नहीं करेंगे तो देश की तकवीर और तस्दीर तो छोटी है अपने पड़ोस को भी नहीं बदल पाएंगे. एग्जैक्टली सर. सर कैन आई से समथिंग? हाँ श्योर व्हाई नॉट. सर मैं मेरी एज सर 33 ईयर है और मेरे फादर जो है वो ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी से रिटायर्ड है. 2000 में रिटायर हुए थे. अभी भी मतलब ठीक ठाक है वो चलते हैं. मतलब टाइम के जो रूटीन है एक मेंटेन रूटीन है वो अपना डिसिप्लिन से चलते हैं. मेरे जो लाइफ का सर इस वक्त मेन एम है सिर्फ एक एम है. मेरे दो बच्चे हैं सर. एक बेटी है 9 साल की बेटी है 13 साल की वो 9th में पढ़ती है. बेटा 4 साल का है 9 साल का है वो 4th में पढ़ता है. मेरे को अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना है. बाकी मेरे को पूरी जिंदगी मैं समाज सेवा में गुजारना चाहता हूँ. मेरे को कुछ नहीं. मेरे को आपको किसी को कुछ नहीं देना है. वो बच्चे अपने भविष्य के साथ ही पैदा हुए हैं. राइट आप जो है ना परिस्थितियां बदल देंगे उनका अपना भविष्य इतना चमत्कृत हो जाएगा क्योंकि बाहरी लोग जो है क्राइम फ्री भारत के सामने लाइन लगा के भीख मांगेंगे जो आप अमृत पैदा कर रहे थोड़ा सा मुझे भी दे दीजिए. ठीक है ना. दूसरी चीज क्या है सर? दूसरी चीज क्या है कि जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ की सोसाइटी थोड़ी मतलब कहते हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट्स ज्यादा है यहाँ पे. तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सर. मेरी रिक्वेस्ट NCIB में भी थी और मेरी रिक्वेस्ट अपनी भी टीम में है कि किसी को भी ज्वाइन करने से पहले इस क्षेत्र से जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ एक बार मेरे से वेरिफिकेशन जरूर करवा लीजिएगा. आप ये सब चीजें छोड़ दीजिए. सबको अपना काम करने दीजिए क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमारी इनिशिएटिव में नेगेटिविटी की जो है ना स्कोप ही नहीं है. जो व्यक्ति ये कह सकता है कि डूइंग क्राइम इज नॉट एन ऑप्शन वो आप कहाँ नेगेटिव और एंटी सोशल की बात कर रहे हैं. हम ये तो लॉर्ड शिवा की फौज है जिसमें बिच्छू भी होंगे सांप भी होंगे छछूंदर भी होंगे भूत भी होंगे प्रेत भी होंगे. आप चिंता मत करिए ये सज्जनों की फौज नहीं है. ये भगवान शिव की सेना है. राइट आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ तो ये भगवान की शिव की सेना में भगवान शिव जो है ना हर किसी को साथ में लेके चलते हैं हर किसी का कल्याण करते हैं. राइट तो आप अपने दिमाग में जो है ये सर्टिफिकेट बांटने की बात ख्याल छोड़ दीजिए कि आपसे पूछे पलाने से पूछे जो भी जुड़ेगा उसको ना केवल जो है ना क्राइम फ्री भारत जोड़ेगा उसको ट्रेंड करेगा
और इवन जो लेबर टाइप का व्यक्ति होगा उसमें 48,000 रुपीज पर मंथ का परचेजिंग पावर देने का हमारा इरादा है। अब इमेजिन करिए कि यदि एक परिवार में चार वर्कर टाइप के आदमी हैं और वो 48,000 पर मंथ कमाते हैं तो वो परिवार की जो है अर्निंग 2 लाख रुपीज पर मंथ हो जाएगी। यस 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 सर, किसान अपने ही खेत में जो है सीएफबी मैनेजर बन के 1 लाख रुपीज पर मंथ कमा सकता है अपने ही खेत में। बिल्कुल सर। एंड एवरीथिंग विल बी लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड क्राइम फ्री भारत का जो एग्रो डिवीजन है उसका सोचना ये है कि हम जितनी भी चीजें नेगेटिव हो रही हैं उस नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। हमारा ये सोचना है और कृत संकल्प भी है और दृढ़ संकल्प भी है और हम समर्पित भी हैं इस बात के लिए कि हम शहर से जो है देश से जो केमिकल जहर है वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो उससे इस देश को मुक्त करेंगे। यहाँ की जलवायु यहाँ का पानी उससे मुक्त होगा। इतने सारे प्लांट्स जो कि बहुत सारी चीजें देंगे वो इतनी बड़ी संख्या में लगाए जाएंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट को जो है ना ये आदेश जारी नहीं करना पड़ेगा कि आज ऑक्सीजन का लेवल बहुत खराब है आपको सलाह देती है दी जाती है कि आप घर में रहें। राइट ऐसा नहीं होगा। इतना अच्छा एनवायरनमेंट जो जो यस जो 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 है पानी 400 फीट 1000 फीट और 2000 फीट के नीचे चला गया है वो फिर से जो है ना आपको 6-8-10 फीट पे उसको वापस लाएंगे। एक सीएफबी का जो है वर्किंग मॉडल हाउ वी विल अचीव इट। राइट तो वो पूरा मॉडल समझने की जरूरत नहीं है। आप अपनी भूमिका खोजिए आपको अपने काम में जो है ना स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा एंड डिपेंडिंग अपॉन यू यू कैन लर्न कि उसमें बहुत सारी रेवेन्यू स्ट्रीम है। यदि आप कॉन्सेप्ट के साथ प्रेजेंटेशन देंगे तो डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी 2,000, 5,000, 10,000 पर प्रेजेंटेशन आपको मिल सकते हैं। मतलब इतना धन की वर्षा हो रही है। फाइन सर। अच्छा सेकंड थिंग ये था कि अभी 5-6 महीने पहले मेरी मदर को, मेरी मदर इज 75 ईयर्स, उनको सर कोविड हो गया था और उस कोविड के दौरान मैंने हॉस्पिटल्स की हालत देखी। आप जो है ये सब षड्यंत्र है, यदि आप उसी में देखेंगे तो आपको एक आध वीडियो मिल जाएगा कि कोरोना मौतों के लिए जिम्मेवार कौन, WHO, ICMR, फार्मास्यूटिकल कंपनी और डॉक्टर्स। कोरोना का इलाज किया ही नहीं गया है, कोरोना से सिर्फ पैसा बनाया गया है और लोगों को मौत के लिए जो है, ऐसा मेरा मानना है कि हम सब दुष्टों का जो है ना षड्यंत्र ही उन मौतों के लिए जिम्मेवार है। अत्यंत ही भयावह और डरावनी स्थिति है कि सब दुष्ट मिल गए और अच्छी बात को उन्होंने फर्जी और असत्य बता दिया। जबकि जो है माय थिंकिंग इज सेम लाइक यू। तो आप जाके इसको देखिए ना, उसको देखिए, उसके उसमें आपको आप पीछे जाएंगे तो आपको लगभग 2 महीने क्राइम फ्री भारत ने जो है ना क्राइम फ्री भारत का काम ही नहीं किया। इट वॉज ट्राइंग टू सेव दिस कंट्री फ्रॉम कोरोना क्राइसिस। हमने प्रधानमंत्री को 4 पत्र लिखे और हमने उनको ये बताया कि 6 दिन में कैसे जो है इस देश को कोरोना मुक्त किया जा सकता है। लेकिन इस देश में लोग बाग जो है पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वोट चाहते हैं, धंधा करना चाहते हैं, अपनी इमेज को चमकाना चाहते हैं, लेकिन जो है देश का कल्याण नहीं करना चाहते हैं। वो अगर इसको खत्म कर देंगे तो उनकी अर्निंग बंद हो जाएगी। तो आप ये विचार करिए, देखिए, समझिए, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा ये काम। जन कल्याण की चिंता पाते हैं और आप ये देखिए कितने लोग हैं जो कि वैक्सीन लगने के बाद जिनकी मौत हुई है, ऐसे कितने लोग हैं कि जो है जिनके दोनों वैक्सीनेशन हो गए, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जिनकी उसके बाद भी मौत हुई है। और जो है एक जो कोरोना की जो वैक्सीन की कीमत 1200 रुपए है यदि उस पर कोई ब्लैक नहीं चलता तो। राइट, और 137 करोड़ लोगों को यदि दिया जाएगा तो 17 लाख करोड़ लगेंगे। राइट, तो इतना ही पैसा जो है पहली डोज के लिए लगेगा, उतना ही पैसा दूसरी डोज के लिए लगेगा। इसका मतलब है कि 6 लाख करोड़ ऑलरेडी कंपनी घाटे में है,
सरकार 6 लाख करोड़ का कर्जा है सरकार के गवर्नमेंट के ऊपर, इसलिए वो सारी कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन पे कर रही है। और 46,20,00,000 करोड़ रुपए कैसे कमा के आ जाता है? तो 34 लाख करोड़ जो है उसके तो दो उसमें होंगे, और कहा जा रहा है कि ये दो के बाद फिर बूस्टर डोज भी लगाना पड़ेगी, तो वो अभी मालूम नहीं कि 8 महीने के इंटरवल में लगाएंगे कि 1 साल के इंटरवल में लगाएंगे। इसका मतलब है हर बूस्टर डोज के लिए भी 17 लाख करोड़ चाहिए यदि हम पूरी आबादी को लगाना चाहते हैं तो। राइट, अच्छा सर, जैसे मैंने भी जो पढ़ा है, मैंने जो वैक्सीन के बारे में पढ़ा, वैक्सीन इज नॉट यू नो 100% प्रोटेक्शन, गिविंग यू 100% प्रोटेक्शन। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं वो आप सबसा सही है, लेकिन मैं दूसरी डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। जब कोरोना के रस से, सॉरी नींबू के रस से जब कोरोना वायरस मर जा रहा है, और सब वायरस मर जा रहे हैं, चाहे वो वायरल फीवर का वायरस हो या और कोई वायरस हो, वो आपको कफ से लेके ब्रीदिंग एक्सपीरियंस को बदल दे रहा है, आपके अस्थमा को हैंडल कर ले रहा है, तो फिर आपको वैक्सीन की जरूरत क्यों है? जब 6 दिन में आपका देश कोरोना मुक्त हो जाएगा, जब भी किसी को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, दो बूंदे जो है वो डाल ले नींबू के रस की, क्या प्रॉब्लम है? नींबू का रस, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल ठीक है कि नहीं है? परफेक्ट। तो बेसिकली हमें तो विश्व को बताना चाहिए कि इसको पेटेंट भी कराना चाहिए कि नींबू के रस से जो है कोरोना वायरस मर रहा है, ये तो हमने सिद्ध किया है साइंटिफिकली। अब जो दुष्ट लोग हैं वो तो नहीं करेंगे, करेंगे तो उनकी आमदनी बंद हो जाएगी। तो भैया आमदनी की चिंता पालोगे या जो लोग मर रहे हैं उनकी चिंता पालोगे, देश की चिंता पालोगे, देश में जो लॉकडाउन लगा है उनकी चिंता पालोगे, फैक्ट्रियां जो नहीं चल रही है उनकी चिंता पालोगे, जो लोगों के जॉब चले गए हैं उनकी चिंता पालोगे, भूखे बेचारे लोगों की चिंता पालोगे, गरीब मजदूरों की चिंता पालोगे, किसकी चिंता पालना चाहते हैं आप? इसीलिए तो सर हम लोग, इसीलिए सर हम इसमें उतरे हैं कि हम ताकि एक नॉन गवर्नमेंट सोसाइटी में गवर्नमेंट के जो जो गलत गतिविधियां हो रही हैं मैं उनको भी सुधारूं। आप अपना काम करिए, वो गलतियां विलोपित हो जाएंगी, कैंसर विलोपित हो जाएगा, कोरोना विलोपित हो जाएगा, जो है ऑटोनोमस डिसीजेस विलोपित हो जाएंगे। सर इसका ज्वाइनिंग का कैसे होगा सर? हमने सर अगर आई एम टॉकिंग समथिंग प्लीज यार, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, अपने इस मुद्दे पे आगे बात करेंगे, और तब तक आप जो है ना चीजों को देखिए, आगे बढ़िए और अपन करेंगे उसको, ठीक है? चलिए ठीक है, ओके नमस्कार, थैंक यू सो मच।